प्रिय बच्चों, मैं वीडियो कक्षा 10 का डाल रहा था, तो कक्षा 10 और 9 के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, केवल पुस्तकों का और पाठ का अंतर है। सारी चीज़ें उसी प्रकार की हैं। इसमें हमने ये आपको ग्राफ लिखा हुआ है, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो आपका गद्य है, पद्य है और आसु नाटक जिसे नाटकों भी कहते हैं, इसमें से सब मिला करके 35 अंक आया है। उस 35 अंक में से जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें से एक आस पाठक जिसे नाटक कौमुदी कहते हैं, इस अंश को हम पढ़ाने जा रहे हैं। इस अंश से कुल अंक आएंगे 9 नंबर का। 9 नंबर में से पात्रों का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखने के लिए 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर का 2 प्रश्न आएंगे संस्कृत में, उनका उत्तर देना होगा। 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। इस तरह से कुल 9 नंबर का होगा। तो 9 नंबर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आपके सिलेबस में कुल मिलाकर के 4 पाठ हैं। उन 4 पाठों में से हम पहले पाठ को आज आपके सामने रख रहे हैं, जिस पाठ का नाम है गार्गी याज्ञवल्क संवाद। ये आपको पता लग जा रहा होगा, गार्गी याज्ञवल्क संवाद। याज्ञवल्क एक ऋषि है, विद्वान ऋषि है, महर्षि है, और गार्गी भी एक विद्वान है। इस पाठ का पूरी तरह से सारांश तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको प्रकाश डाल रहे हैं कि प्राचीन काल में आज भी लोग कहते हैं एक मत भ्रम था कि स्त्रियां शिक्षित कम होती थी या स्त्रियों की शिक्षा कम दी जाती थी। इसी बात को दर्शाने का समाज में यह कोशिश किया गया है। और प्राचीन स्त्रियों के बारे में आप जानते हैं, गार्गी, द्रौपदी, कर्णगी, मीरा, दुर्गावती, तमाम स्त्रियां थी जो शस्त्र शास्त्र ज्ञान की तमाम शिक्षाओं को लेकर के समाज के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को किया। उसमें से आज हम गार्गी के बारे में आपको बता रहे हैं। गार्गी महर्षि बचनों की पुत्री थी और उनका गोत्र गर्भ गोत्र था। गर्भ गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उसके नाम को गार्गी रख दिया गया। आज किसी भी व्यक्ति का अगर देखा जाए, किसी भी व्यक्ति का हिंदू मान्यता के अनुसार, तो उसका कोई न कोई ऋषि का नाम से गोत्र होता है। वह चाहे किसी कौम किसी जात में हो, उसका गोत्र होता है। ये बात अलग की है कि आप सबको हम सबको सबका अपना गोत्र नहीं मालूम है, लेकिन यह होता है ऋषियों के नाम। सारे लोग प्राचीन काल में हमने बताया कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, इसी को यहाँ दर्शाया गया है। प्राचीन काल में भी स्त्रियां पुरुषों के समान या पुरुषों के समकक्ष बराबर का हिस्सेदारी निभाती थी, ज्ञान हो, वर्क हो, सम्मान हो, हर क्षेत्रों में, और इस तरह से उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी। गार्गी और याज्ञवल्क के बीच संवाद होता है। उस संवाद में याज्ञवल्क के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, गार्गी उसका उत्तर देती है, गार्गी भी प्रश्न पूछते हैं, याज्ञवल्क भी उत्तर देते हैं। यह बात इस प्रकार से प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपके सामने रखी जाती है। ऐसे को देख करके जब वहां आता है तो चरित्र चित्रण लिखने के लिए हमारे परीक्षा में आता है, गार्गी के चरित्र की विशेषताएं क्या हैं। तो चरित्र की विशेषताएं लिखिए। इसमें हमने बताया कि विशेष चरित्र लिखते समय आदमी के दो गुण होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव, एक निगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक। उसी तरह के गुणों के आधार पर उसका हम वर्णन करते हैं। तो ज्यादातर चरित्र या चरित्र का उन्हीं के अध्ययन किया जाता है जिनके पास धनात्मक गुण होते हैं, जो समाज के दृष्टि से पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ गार्गी का पहला गुण था वो परम विदुषी थी। परम विदुषी इस मामले में थी कि वह याज्ञवल्क के साथ एक विद्वान पुरुष के साथ शास्त्रार्थ कर रही थी और शास्त्रार्थ में अपने प्रश्नों का उत्तर धैर्य पूर्वक और तर्क के आधार पर दे रही थी। इतना तो परम विदुषी थी। आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी यह होता आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मबोध, ये सारे व्यक्ति के चरित्र का विकास करते हैं। कोई व्यक्ति है जिसको अपने आप पर नहीं विश्वास है, वह व्यक्ति किसी भी कितना हो विद्वान हो, कितना हो ज्ञानी हो, लेकिन वो अपनी बात को कह नहीं सकता, रख नहीं सकता, हमेशा भयभीत बना रहता। लेकिन गार्गी के अंदर
जब प्रश्नों का उत्तर दे रही थी, तर्क के शास्त्रों का उत्तर कर रही थी, तो उसे उसके चेहरे पर, उसके वाक्य से, उसके प्रश्नों के उत्तर देते समय पूरी तरह से आत्मविश्वास झलक रहा था। इस आधार पर वह आत्मविश्वासी थी। निराभिमानी महिला, जब किसी व्यक्ति को हम आपको थोड़ा सा विज्ञान हो जाता है तो हमारे अंदर अभिमान का तुरंत संचार हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में गार्गी जब बता रही थी, उत्तरों को दे रही थी, तो उसके प्रश्नों में या उसके उत्तरों में कहीं भी अभिमान नहीं झलक रहा था, बल्कि शास्त्र समाज के बोध के प्रश्न दिख रहे थे, जिससे वह सामान्य रूप से संसार की स्वाभिमान का उस समय पर त्याग कर करके अपनी बातों को कह रहे थे। धैर्यशाली, उसके सामने याज्ञवल के कठिन से कठिन प्रश्न आते थे, आध्यात्मिक प्रश्न आते थे, या प्रश्नों समस्यात्मक प्रश्न आते थे, सारे प्रश्नों को धैर्य से सुनती थी और उसका उत्तर देती थी। विनयशील, इन सब के बावजूद भी, जिन प्रश्नों का उत्तर देने के बावजूद भी वह स्वभाव से विनयशील थी। इस प्रकार गार्गी एक महिला होते हुए भी जो महिलाओं में गुण है, उससे अलग ये पांच छह उसके गुण थे, जिन गुणों के कारण आज भी गार्गी समाज के लिए उपाधेय है और उस उपाधेयता को हम संस्कृत में प्रकाश डाल रहे हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, गार्गी के चित्रण से निष्कर्ष से, जिनको हमने लिख दिया है कि विदुषी, निर्भी, निराभिमानी के साथ साथ सुंदरी, उच्च कुल में उत्पन्न एवं विनीत महिला थी, उसकी बुद्धि तार्किक एवं तीक्ष्ण है। हमें गार्गी जैसी विदुषी भारतीय महिलाओं पर गर्व है। गर्व है, गर्व इसलिए है कि इन लोगों के द्वारा समाज को एक ऐसी व्यवस्था दी गई जिससे पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं रह गया। आज इस बात की समाज में चर्चा चलती है। अब इसके बाद कुछ प्रश्न आते हैं, हमने जैसे यहां लिखा उन प्रश्नों में, उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर हमने लिख दिया है। प्रश्न आप किताब से देखेंगे कि अब जैसे जनक पश्च राजा आशी, तो अब जनक कहाँ के राजा थे, तो मिथिलेया, ये कहा उत्तर यहाँ हो जाएगा जनक का राजा आशी। ये हमने प्रश्न पूछा, उत्तर हो गया जनक मिथिलेया राजा आशी। अब उसी का प्रश्न है, जनक से यज्ञ कुत ब्राह्मणा समागता, जनक से यज्ञ, जनक से यज्ञ कुर पांचाल देश ब्राह्मण समागता, जनक के यज्ञ में कुर पांचाल देश से ब्राह्मण आए गए थे। अब फिर तीसरा प्रश्न है आपका कि ब्राह्मणा क्रोधित कथम अभवत, ब्राह्मण क्रोधित क्यों हो गए, तो याज्ञ वाले के ब्राह्मण कारण तद करे ब्राह्मण क्रोधित अभवन, याज्ञवल के द्वारा ब्राह्मणों की स्वीकार नहीं किया गया, इस नाते वो क्रोधित हो गए। याज्ञवल महर्षि आशी, याज्ञवल कस्य आशी, याज्ञवल महर्षि आशी। फिर अगला प्रश्न है कि अश्वला याज्ञवल किम अपृच्छत, अश्वल ने यज्ञ से यज्ञ में क्या पूछा, तो अश्वल याज्ञवल व्यम अपृच्छत, संवेता नाम बहु नाम अस्माकं मध्ये तथा तमेव ब्राह्मण श्रेष्ठो आसन, तुम कैसे इन सब में श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। फिर छठवा प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर यहाँ हमने लिखा है। छठवा प्रश्न है कि गर्ग्या प्रथम प्रश्न याज्ञवल किम उत्तरम दत्वान, याज्ञवल प्रथम प्रश्न से उत्तर दत्वान वायो, उन्होंने पूछा सबसे तेज कौन चलने वाला है, वो बताई वायु। गर्ग्या द्वितीय प्रश्न उत्तरम का आशी वायु पुत्र, वायु कहाँ है, तो याज्ञवल उसने पूछा कि वाय है कहाँ, तो याज्ञवल द्वितीय प्रश्न से उत्तरम तत्वा अंतरिक्ष लोकेश, अंतरिक्ष लोक में वाय है। इस प्रकार से यह प्रश्न उत्तर हो गया। अब एक प्रश्न आएंगे जो लिखे रहेंगे, उनके चार उत्तर दिए रहे, उन उत्तरों में आपको प्रश्न
का उत्तर देना होगा। एक शब्द प्रश्न उत्तर भी कहते हैं या वो बहुजन भी उत्तर करते हैं। तो उनमें जो प्रश्न है, जलकष्ट होता आशीत, तो जलकष्ट होता आशीत के बीच में भर दिया जाएगा आश्वला। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इंद्रलोक समाहिता, इंद्रलोक कहाँ समाहित है, तो दो लोका देवलोका। तीसरा प्रश्न है, आदित्य लोका ओता प्रोतस्य, आदित्य लोका वो आदित्य माने सूर्य लोक, ओता प्रोता तो उसमें भर दिया जाएगा या उसका उत्तर हो जाएगा चंद्रलोकेशु। चौथा प्रश्न है, अंतरिक्ष लोका लोकेशु का अस्तित्व अस्तित्व, तो उसमें हो जाएगा गंधर्व। पांचवा प्रश्न इसी तरह से है कि देवलोकेशु समाहिता, देवलोक में देवलोक लोकेशु समाहिता तो देवलोका इसका उत्तर हो जाएगा। फिर छठवां है, हे ब्राह्मणा इमं व्याकुलं प्रश्नं द्वयम्, तो उन्होंने कहा प्रच्छामि, प्रच्छामि माने पूछिए। सातवां प्रश्न है, युष्माकं मध्ये यम व्याकुलं ब्राह्म वदं प्रति नैवावस्ति कश्चित्, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेता। और अंतिम प्रश्न है, गार्गी का पुत्र आशी, गार्गी पुत्री आशी बीच में छुटा हुआ है, तो विश्वामित्रस्य। इस प्रकार से यह तीन प्रकार के एक पाठ से आपको प्रश्न तैयार कर रहे हैं। चरित्र, चरित्र मैंने बता दिया, परिचय दे दिया, उसके बीच की रीडिंग दे दिया, निष्कर्ष दे दिया, ये लघु उत्तरी प्रश्न इस पाठ का बता दिया गया और ये बहुपंक्ति प्रश्न होगा। इसी प्रकार से अगला पाठ फिर शुरू होगा, उसे हम अगली वीडियो में आपको डालेंगे। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे जरूरी है, किताबें आप खरीद लीजिए और घर में इसका अध्ययन करके तब इसको पढ़िए और इन प्रश्न उत्तरों को आप कॉपी पर बना करके लिखिए, इनमें से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे।